लोकसभा चुनाव और आगामी त्योहार होली, रंगपंचमी सहित अन्य त्योहारों को लेकर भिंड जिले के लहार पुलिस ने थाने पर शांति समिति की बैठक हुई है, जिसमें एसडीएम विजय सिंह यादव, तहसीलदार उदय सिंह जाटव एवं थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा सहित स्थानीय नागरिक शामिल हुए। बैठक में पुलिस ने आम जनता की शांति और सद्भावना से त्योहार मनाने और आचार संहिता का पालन करने की अपील की है। वही त्योहारों पर शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, पधारने के लिए सभी का स्वागत है। शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मीडिया बंधुओं का, सभी गणमान्य नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको विदित है, अभी एक मीटिंग हमने ली थी, फॉर्मल बातें नहीं करते, इनफॉर्मल बात करते हैं। एक मीटिंग अभी ली थी, व्यापारी गण भी उसमें काफी संख्या में आए थे। उस मीटिंग में आपके बहुत सारे सुझाव आए थे, उस सुझाव के अनुरूप हमने काम स्टार्ट किया है। तो पहला तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ सभी व्यापारी गण को, वैसे फील्ड में जाके भी किया है, कि जो हमारी मेन रोड है उस मेन रोड पर थोड़ा सा सामान ना रखें और जो गाड़ी वाले आ रहे हैं उनकी गाड़ी व्यवस्थित लगवाएं। इससे बड़ी असुविधा से हम दूर होंगे। जो वाहन चोरी है उस पर भी हमारी काफी हद तक लगाम लगेगी। हम भी जाके चेक कर रहे हैं प्रॉपर। यहाँ लोगों को क्या आदत है, मैंने देखा एक तो वाहनों को लॉक ही नहीं करते। उनसे पूछो भाई लॉक क्यों नहीं किया, बोले बस पास में गया था सामान लेने, इसलिए लॉक नहीं किया। इतनी देर में सामने वाला उठा के चला जाता है, फायदा उठा लेता है उस चीज का, फिर परेशानी बढ़ती है। आपकी तो बढ़ती है, फिर हम लोग भी परेशान होते हैं उसमें। तो एक तो ये मेरा मैसेज है। दूसरा, होली का त्यौहार है, प्रेम से सभी मनाएं। अगर आप लोगों के पास, किसी के पास कोई इनपुट हो होली को लेके, इस गांव में झगड़े की संभावना है, यहाँ यहाँ इस तरह की कोई चीज होती है, तो प्लीज आप मुझे अकेले में एक बार बता दें, जरिए फोन बता दें, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल के बता दें, जिस तरीके से आप बताना चाहते हैं बता दें। अगर मेरे संज्ञान में आ जाएगा तो तेजी से हम उस पर लगाम लगा सकते हैं।